कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की मोदी सरकार की सौगात से देश का बाजार तो गुलजार हो गया, लेकिन विरोधी अभी भी वही पुराना ढोल पीट रहे हैं कि आखिर रोजगार का क्या। तो ऐसे विरोधियों को जवाब देने के लिए अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा यानी देश का हेल्थ सेक्टर ही काफी है। तो सुन लीजिए, अगले साल तक सिर्फ हेल्थ केयर के क्षेत्र में ही 4 करोड़ नौकरियां पैदा होने वाली हैं। भारत का हेल्थ सेक्टर उद्योग साल 2022 तक 22% के CAGR से बढ़ने का अनुमान है, यानी ये बढ़ोतरी 3 गुना की होगी। दवाइयां ही नहीं, भारत का मेडिकल उपकरणों का बाजार भी 2025 तक $50 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के टॉप 20 चिकित्सा उपकरणों के बाजार में शामिल है। वहीं चिकित्सा उपकरणों के बाजार में ही जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का एशिया में भी 4th नंबर है। अपनी सरकार के दूसरे टर्म के पहले 100 दिनों में ही पीएम मोदी ने देश को ऐसे ऐसे सरप्राइज दिए हैं कि विरोधी भी हैरान हैं। उस पर मोदी ये भी कह रहे हैं कि 100 दिनों में तो अभी ट्रेलर ही दिखाया है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है।